परविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उनके हाथ से सत्ता भी छिन गई है और धनुष और तीर यानी कि शिवसेना भी खिसकती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक उनको झटके लग रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे। थाने नवी मुंबई महापालिका के बाद अब कल्याण डोंबिवली महापालिका के कई पार्षदों ने सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन दे दिया है और शिवसेना की महाराष्ट्र के चार महानगर पालिकाओं पर सत्ता है। लेकिन शिंदे को लगातार शिवसेना के भीतर से मिल रहे समर्थन के कारण उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके हाथ पैर फूल रहे हैं और शिवसेना अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना फिलहाल खिसकती हुई दिख रही है। थाने महानगर पालिका जहाँ पर लंबे समय से शिवसेना सत्ता में रही है, वहाँ शिवसेना के 67 में से 65 पार्षदों ने सीएम एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दे करके उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, बड़ा झटका दे दिया है। अब केवल थाने से सांसद राजन बिचारे की पत्नी नंदिनी बिचारे ही ठाकरे कैंप में बची है। केवल थाने ही नहीं, नवी मुंबई महापालिका के 46 में से 32 शिवसेना के पार्षद भी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका जहाँ शिवसेना का भगवा झंडा लहराता है, वहाँ से उद्धव के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। 65 में से 60 पार्षदों ने उद्धव ठाकरे को बाय बाय बोल दिया है और बीएमसी में शिवसेना का सबसे बड़ा चेहरा यशवंत यादव की विधायक पत्नी यामिनी यादव पहले ही एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दे चुकी है। बहुत सारी चुनौतियां हैं उद्धव ठाकरे के सामने। महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गवा चुके उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में यही रहेगी कि जिन चार बड़ी महापालिकाओं में फिलहाल शिवसेना का कब्जा है, वहां की सत्ता को बचाए रखा जाए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद बीएमसी समेत राज्य की तकरीबन 11 महापालिका के चुनाव होने हैं। ये चुनाव शिवसेना और उद्धव ठाकरे की एक परीक्षा होगी, कहिए कि अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ये सभी की निगाहें मुंबई महापालिका महानगर पालिका पर टिकी हुई है। बीएमसी पर पिछले 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन अगले चुनाव ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में होने जा रहे हैं जहां शिवसैनिकों को उनका जो कहना चाहिए मॉरल खत्म हो रहा है, उनका आत्मविश्वास टूट रहा है। इस दौर में एकनाथ शिंदे की बढ़ती हुई ताकत के बीच उद्धव ठाकरे इन चुनौतियों के पहाड़ को कैसे पार कर पाते हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिवसेना की ताकत मुंबई समेत MMR मेट्रोपॉलिटन एरिया, मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया रीजन और कोंकण इलाके में है। इन इलाकों के विधानसभाओं की 75 सीटें आती हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में आज सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जहां पर 36 में से बीजेपी के 16 विधायक हैं, जबकि शिवसेना के 14 विधायक हैं। MMR रीजन में एकनाथ शिंदे की ताकत है और वहीं कोंकण में नारायण राणे जैसे नेताओं जो बीजेपी के साथ हैं, वे शिवसेना को उनके इलाके में चुनौती देने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बना करके उद्धव ठाकरे की और उनकी शिवसेना को उन्हीं की ताकत के जरिए ढेर कर दिया है और अब शिवसेना उन्हीं के ताकत वाले इलाके में चुनौती पेश कर दी है शिवसेना को लेकर के। तो दोस्तों, आने वाले जो दिन हैं काफ़ी मुश्किल भरे होने वाले हैं उद्धव ठाकरे के लिए। उनके हाथ से सत्ता चली गई है, अब शिवसेना भी उनके साथ नहीं रहेगी। देखना यह है कि वो पॉलिटिकली कैसे जिंदा रहते हैं। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपसे मैं फिर मिलती हूँ किसी नई खबर के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।